الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد एक हदीस का बयान पिछले दो तीन हफ्तों से चल रहा है जिसमें हुज़ूर नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया तकवा हाँ तकवा यहाँ होता है यानी दिल में होता है। और एक दूसरी हदीस में यह इरशाद फरमाया इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा है तो जब वो सही हो जाए तो पूरा पूरा जिस्म सही हो जाता है और वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। और फरमाया कि वो दिल है। तो इन्हीं दो हदीसों का बयान पिछले चंद हफ्तों से करने की कोशिश करता रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसको सही समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता हासिल उसका यह था कि तकवा का महल यानी तकवा की जगह इंसान का दिल है। और इसका हासिल यह है कि दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाए जिससे आदमी हर वक्त तकरीबन ये समझे कि मैं अल्लाह जल्ला जलालहू की निगाह में हूं और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हाजिर हूं। उसकी वजह से दिल में एक एहतियात पैदा होगी, एक छिटक पैदा होगी कि कोई काम मैं ऐसा ना करूं जो अल्लाह जल्ला जलालहू की रजा के खिलाफ। और इसकी मिसाल मैंने ये दी थी जैसे कोई शख्स किसी बड़े की मजलिस में जाता है या उसके दरबार में जाता है तो उसकी वो कैफियत नहीं होती जो घर में अकेले हालत में होती है। घर में अगर तनाव बैठा है तो बेफिक्र है, जिस तरह चाहे जो हरकत चाहे कर ली, लेकिन जब किसी बड़े की मजलिस में गया या बड़े के दरबार में गया, किसी साहिब इख्तदार के पास पहुंचा, तो उसके दिल में एक एहतियात पैदा होती है कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जो मुझे जलील कर दे इस बड़े के सामने या इसको नागवार हो जाए जिससे मेरी हेटी हो जाए। ये कैसे ये ख्याल दिल में पैदा होता है।
एक मुसलमान से मतलूब यह है कि तुम तो हर वक्त अल्लाह जल्ला जलालहू के दरबार में, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहे हैं, अल्लाह जल्ला जलालहू की निगाह में हो। तो जिस तरह किसी बड़े की मजलिस में जाकर तुम्हारे दिल में एहतियात पैदा होती है, तो वो एहतियात एक मोमिन के लिए हर वक्त होनी चाहिए और उसको अपने हर कौल व फेल में, हर नकल व हरकत में इस बात का लिहाज रहना चाहिए कि ये बात कहीं अल्लाह जल्ला जलालहू की रजा के खिलाफ है। फर्क ये है, कोई सोचेगा कि भाई फिर तो जिंदगी बंद गई अगर हर वक्त आदमी यही सोचता रहे तो जिंदगी बिल्कुल बंद कर रह जाएगी, आजादी इंसान की खत्म ही हो गई। तो खूब समझ लीजिए, आजादी इससे खत्म नहीं होती, जो आजादी जरूरी है, जितनी आजादी इंसान की खुशगवार जिंदगी के लिए जरूरी है, वो इससे खत्म नहीं होती। वजह उसकी यह है कि अगर किसी बादशाह के दरबार में जाओ, किसी साहिब इख्तदार के दरबार में जाओ, किसी बुजुर्ग के पास जाओ, तो वहां बहुत से काम ऐसे हैं कि तुम वहां पर कर नहीं सकते, क्योंकि उससे बेतकल्लुफ ही नहीं है। मसलन किसी बड़े के पास गए तो कुर्ता उतार के अगर बैठना चाहो उसकी मजलिस में तो ये नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि बेतकल्लुफ ही नहीं है, और बेतकल्लुफ ही ना होने की वजह से अगरचे कुर्ता उतार के बैठ जाना ये कोई गुनाह नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कर सकते कि उससे बेतकल्लुफ ही नहीं। और मां के सामने आदमी जाए तो इस तरह बेतकल्लुफ भी चला जाता है, क्योंकि मां के सामने हर कुछ सारा अपना सारा वजूद उसके सामने है, उसमें अगर ये अगर इस तरह बेतकल्लुफ अंदाज से भी सामने आ जाए तो कोई बुरा नहीं लगता, ना मां को बुरा लगता है ना आज खुद आदमी को बुरा लगता है। बावजूद है कि मां की भी अजमत है, उसकी भी मोहब्बत है, लेकिन उसके बावजूद ये बेतकल्लुफी की वजह से आदमी किस तरह चला जाता है। तो अल्लाह जल्ला जलालहू से के सामने जब कुछ है तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमारा वजूद मां से ज्यादा शफकत वाला, मोहब्बत वाला, बेतकल्लुफी वाला है। तुम किसी भी हालत में उससे उसके किसी भी हालत में उसके सामने जा सकते हो, बशर्ते के वो जायज हो, हराम ना हो। माँ की मिसाल में भी आप जरा सा ये गौर कर लीजिए कि माँ के सामने कुर्ता उतार के तो चले जाओगे मिसाल के तौर पर, क्योंकि उससे बेतकल्लुफ ही है, उसको कोई बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसके बड़े होने के बाद, बालिग होने के बाद अगर कज़ाए हाजत उसके सामने करना शुरू कर दो तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि नाजायज भी है और ये बड़ी बदतमीजी की बात होगी कि आदमी इस तरह करना शुरू कर दे। लेकिन अल्लाह जल्ला जलालहू के साथ जो ताल्लुक है बंदे का, वो ऐसा है कि हर आन उसके सामने है, हर हालत उसके सामने है, लिहाजा उसके सामने कज़ाए हाजत भी की जा सकती है, उसके सामने जब जिस जगह पर उसने जायज करार दिया बरहना होना, वहां बरहना होना भी उसकी अजमत और मोहब्बत के खिलाफ नहीं। तो इसलिए ये समझना कि हमारी आजादी खत्म हो जाएगी, ये ख्याल गलत। आजादी फिर भी रहेगी, लेकिन वह हुदूद की पाबंद होगी, हुदूद जवाब की पाबंद होगी, क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालू हर आन हम पर इंतहाई मेहरबान है, माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है और बेतकल्लुक भी है अल्लाह तबारक होता है। लिहाजा अगर अपने आम जिंदगी के अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने होने का लिहाज रखेंगे तो ये समझना कि आजादी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये बात सही नहीं। हाँ, सिर्फ इतनी बात है कि ये बात ध्यान में रहेगी कि मैं कोई ऐसा काम न करूं कि जो अल्लाह जल्ला जलालहू की रिजा के खिलाफ हो, उसको नाराज करने वाला हो, तो ये एहसास दिल में पैदा हो जाए, उसके नतीजे में जिंदगी और ज्यादा खुशगवार हो जाए और ज्यादा
ज्यादा गलती हो जाए, क्योंकि जो गुनाहों की लज्जत होती है वो लज्जत हकीकत में लज्जत नहीं, वो तो एक बीमारी है, बीमारी है। जैसे हमारे हजरत फरमाया करते थे हजरत अकीम उल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैसे खारिश, किसी को खारिश की बीमारी हो जाए तो खुजाने में लज्जत आती है, जितना खुजाएगा उतना ही लज्जत आएगी, लेकिन जितना खुजाएगा उतनी ही बीमारी बढ़ेगी। और एक वो लज्जत है जिसको कोई बीमारी नहीं, खारिश नहीं, आफियत है, सेहत है, उस सेहत की लज्जत है। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर ये अता फरमा दें तो कोई इसमें ये समझना कि ये जिंदगी बंध गई ये दुरुस्त है, बंधी जरूर, लेकिन इतनी बंधी जितनी बंधनी चाहिए, बेमुहार ना हुई, और उसके साथ साथ उसमें एक दायमी अबदी पायदार लज्जत भी हासिल हो गई। यह हासिल है तकवा का, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी रहमत से अता फरमाए। तो बात ये चल रही थी पिछले चंद दो मजलिसों से, मैं ये बात कर रहा था कि ये कैफियत पैदा कैसे हो, ये इस्तेहज़ार, ये ध्यान कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहे हैं और दिल में एक अल्लाह तबारक व तआला के सामने हुजूरी का एहसास, ये खलिश ये किस तरह पैदा हो, तो उसकी कुछ तकदीरें मैंने अर्ज की थी। एक तो अगर आपको याद हो, यह अर्ज किया था कि अजयाए मासूरा जो है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अवकात में दुआएं तलकीन फरमाई हैं कि घर में दाखिल हो तो ये पढ़ो और मस्जिद में जाओ तो ये पढ़ो और निकलो तो ये पढ़ो, उसका अहतमाम, उसका अहतमाम जरा ध्यान के साथ, तो जितना उसका अहतमाम ज्यादा होगा उतना ही इंशाअल्लाह ताला ये दिल में बारी ताला के सामने हाजिर होने का एहसास तरक्की करता जाएगा, इसी का नाम तरफ तरफ तर बढ़कर तकवा की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और दूसरी बात यह अर्ज की थी कि अलावा इन अदिया मासूरा के, इंसान हर वक्त किसी न किसी हाजत में रहता है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो छोटी मोटी जो हाजतें इंसान को पेश आती हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करके अल्लाह तबारक व तआला से उन हाजतों को मांगने का इंसान आदी बने। जो भी हाजत पेश आए उसको अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। एक साहब ने खत में लिखा कि मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगू, कैसे मांगू। तो भाई जो भी इंसान को हाजतों का पुलंदा है, अभी बैठे हो तो यह हाजत है कि भाई इत्मीनान के साथ बात सुनने का मौका मिल जाए, तो आदमी जब आए तो ये दुआ करके आए कि या अल्लाह मैं दीन की बात सुनने जा रहा हूँ, अपने रहमत से उसको सही तरह समझने की भी तौफीक अता फरमाइए, उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाइए। और बाहर निकले तो सवारी की जरूरत है, अल्लाह सवारी मिल जाए, जल्दी आसानी से मिल जाए, सवारी में बैठ गया तो यह हाजत है कि मंजिल पे पहुंच जाऊं, या अल्लाह घर आप जब तक पहुंचा दीजिए, रास्ते में रुकावट पैदा हो गई, कोई ट्रैफिक जाम है, या अल्लाह अपने नमस्ते को जल्दी खोल दीजिए, घर में दाखिल हो रहे हो तो या अल्लाह मेरे घर में दाखिल हो रहा हूँ तो वहाँ पर मंजर अच्छा देखूँ, सबको आफियत से पाऊँ, कोई तकलीफ के मंजर सामने ना आए, कोई अफसोस का मंजर सामने ना आए। इस तरह जब आदमी ये काम करना शुरू करता है तो फिर दिल में खुद आने लगता है कि मैं क्या मांगू, और इतना ज्यादा इसका सिलसिला हो जाता है कि फिर रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद दिल मांगता ही चला जाता है, मांगता ही चला जाता है। हमारे हजरत फरमाया करते थे हजरत अकीमुल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के एक मतलब फरमाने लगे कि अब तो यूं मालूम होता है कि हर वक्त कोई जैसे कह रहा हूं कि अब यूं कर लो, अब यूं कर लो, अब यूं कर लो। वो हुजूरी का एहसास इतना जागुजीन हो गया कल्प में कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरमाया जा रहा है कि अब ये कर लो, अब पानी पी लो, अब खाना खा लो, अब मस्जिद में चले जाओ, अब दफ्तर
तो अल्लाह तबारक वताला से ताल्लुक की मजबूती के अंत का नतीजा ये यहाँ तक पहुँच जाता है हुजूरी के आलम में। तो ये दुआओं की कसरत और शुक्र की कसरत, अल्लाह तबारक वताला की नेमतों का शुक्र अदा करना, छोटी मोटी जो भी नेमत हो उस पर अल्लाह तबारक वताला का शुक्र अदा करने की आदत डाल। ये पीछे इतवार को इसकी तफसील कुछ अर्ज की थी, अल्लाह तबारक वताला फजल करम से इस पर अमल की तौफीक अदा करवाना। तीसरी बात जो है जो आज करनी है वो ये है कि ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि दिल का रुख फिर जाए, ख्यालात की रौ का रुख तब्दील हो जाए, ये दर हकीकत इस वजह से नहीं होता कि हमने अपने ख्यालात को तमाम तक दुनिया के साजो सामान और दुनिया की राहतों और लज्जतों की तरफ लगाया हुआ है और इसी में हमारी सारी सोच विचार और सारा गौर और फिक्र सब कुछ इसी के बारे में, किस तरह मुझे ज्यादा से ज्यादा लज्जत हासिल हो जाए, किस तरह मुझे ज्यादा से ज्यादा दौलत मिल जाए वगैरह वगैरह, इस तरफ ध्यान लगाओ। यानी दिन रात की जो फिक्र है वो सब दुनिया की लज्जतों और दुनिया की राहतों में बची हुई है। ये तो आपने देखा होगा, हर इंसान जानता है कि हर इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कोई लम्हा इंसान का सोच से खाली नहीं होता। खाली में बैठा होगा तो दिमाग चल रहा होगा, कुछ ना कुछ फिक्र आ रहा होगा, कोई ना कोई ख्याल आ रहा होगा, कोई ख्याल कोई लम्हा इंसान का ख्याल से खाली नहीं होता, सोच से खाली नहीं होता। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि वो जो सोच मुसल्लत है हमारे जहनों के ऊपर वो सारी इस जाहिरी दुनिया की राहत और लज्जत और जेब जीनत की तरफ लगी हुई है, किस तरह मैं पैसे कमाऊं, किस तरह अपनी दौलत में इजाफा करूं, किस तरह मेरा मकान अच्छा हो जाए, किस तरह मेरी सवारी अच्छी हो जाए, किस तरह मैं अपनी औलाद को ज्यादा से ज्यादा मुजयन कर लूं, किस तरह मैं अपने खाने ज्यादा से ज्यादा लजीज हासिल कर लूं वगैरह वगैरह। दिन रात की सोच इसमें बटी हुई है, इसी को फरमाते हैं हजरात सूफिया कराम कि यह इन्हिमाक फिर दुनिया, दुनिया के अंदर इन्हिमाक, दुनिया की लज्जतों राहतों और दुनिया के हाजात, इनके अंदर आदमी मुनहमित है। जो जरूरत की चीजें हैं दुनिया की वो कोई ममनू नहीं, खाना जायज, पीना जायज, कमाना जायज, वजूद के अंदर रहते हुए सब अल्लाह ताला ने जायज कर रखा है, लेकिन इसमें इन्हिमाक कि बस दिन रात इसी फिक्र में पड़ा हुआ है आदमी, उसी की सोच मुसल्लत है, उसी का ख्याल आ रहा है, उसी के मंसूबे बना रहा है वगैरह वगैरह। तो ये बात है जिसको इन्हिमाक फिर दुनिया से ताबीर फरमाता है। और एक मौके पर हजरत की उम्मत मौलाना थानवी कदरसल्लाहु ताला अलैहि ने फरमाया कि ये इन्हिमाक फिर दुनिया ये तमाम गुनाहों की जड़ है, गुनाहों की जड़ यह है कि बस दुनिया ही की तरफ सारे ख्याल आ रहे हैं, कोई और मरने के बाद क्या होने वाला है, आखिरत की जो जिंदगी आने वाली है उसकी तरफ तसव्वुर नहीं जाता, बस दुनिया के कामों में आदमी लगा हुआ है, उसी में मुनहबिक है। उसका नतीजा यह है कि एक मंजिल हासिल हुई दुनिया के अंदर दुनिया के लज्जतों और राहतों की, फौरन दूसरी मंजिल सामने आ गई, अब ये करना है, वो हासिल हुई तो तीसरी मंजिल सामने आ गई और इसी उधेड़ बुन में सारी जिंदगी गुजर जाती है। इसी को कुरान करीम में फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये तुमको एक दूसरे से आगे बढ़ने ज्यादा से ज्यादा मफादात हासिल करने की धुन ने
غافل کر رکھا ہے, کہاں سے غافل کر رکھا ہے, آخرت سے غافل کر رکھا ہے. حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ اسی حالت میں جا کر قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو, اس وقت آنکھیں کھلتے ہیں, اللہ میں نے کہاں اپنی زندگی برباد کر دی. تو یہ جو دھن لگی ہوئی ہے دن رات, آدمی منہمک ہے, اس انہماک کو ختم کرنے یا کم کرنے کی ضرورت ہے. جس کے بغیر تقوی اندر نہیں بیٹھے گا, دل میں نہیں بیٹھے گا. یہ انہماک ٹوٹنا چاہیے, یہ دن رات کی جو دھن لگی ہوئی ہے, ایک دولت حاصل ہو گئی, اب دوسری دولت, اب دوسری حاصل ہو گئی, تیسری دولت, ایک مکان بنا لیا, اب دوسرا مکان, اب دوسرا بنا لیا, تیسرا مکان, الی آخر ہی. دن رات اسی دھن میں آدمی لگا ہوا ہے. یہاں تک کیا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان لابن آدم واد من ذہب لابتغى ان یکن لہ وادیان, کہ اگر کسی کو ایک پوری وادی سونے سے بھری ہوئی مل جائے تو بھی وہ یہ سوچے گا کہ دو ہو جائیں, دو وادیاں ہو جائیں. لو کان لہ وادیان لابتغى ثالثا, اور دو وادیاں ہو جائیں گی تو یہ سوچے گا کہ تیسری ہو جائے. اور پھر آپ بڑا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا کہ ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب, ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, بھرے گا تو کب, جب مٹی اس کے پیٹ میں گھسے گی, قبر کی مٹی, تب جا کر اس کا پیٹ بھرے گا, اس سے پہلے پیٹ نہیں بھرتا. یہ ایک دنیا کی محبت اور دنیا کے انعامات کا خاصہ ہے کہ کسی حد پر انسان رکتا نہیں. یہ کھجلی ہے روپے پیسے کی اور دولت کی جو کسی حد پر قناعت نہیں کرتی. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت مشہور بڑے سرمایہ دار تھے, ان سرمایہ داروں میں سے جو مشہور ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, جو بہت بڑے دولت مند, پتہ نہیں کتنے ملے ہیں, کتنے کارخانے ہیں, کتنی جائیدادیں, بولا جانے خود ان کو بھی شاید یاد نہ ہو کہ مجھے کتنی دولت میرے پاس ہے, اس دولت سے کمار شاید ان کے بھی علم میں نہ ہو. ایک مرتبہ میں نے ان سے درد مندانہ نصیحت کے طور پر یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے تو آپ جو ہیں یہ سود کی کاروبار سے کم از کم اپنے آپ کو نکال لیں. یہ سود جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے, تو اس سے اپنے آپ کو نکال لیں. اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ آپ ساری زندگی, آپ کی اولاد, آپ کے پوتے پڑ پوتے کھاتے رہیں گے, کبھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا, اب یہ سود کی لانت سے اپنے آپ کو بچا لیں آپ. تو ایک بڑا انہوں نے مانا خیز جملہ کہا اور بڑا صحیح سچا جملہ. تو وہ کہنے کہ مولانا آپ بات تو صحیح کہتے ہو لیکن یہ کھجلی کو میں کیا کروں, اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس کھجلی کو میں کیا کروں, ہاتھ میں کھجلی ہے کہ اس میں اور آنا چاہیے, اس کھجلی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے, اس واسطے لگا ہوا ہوں. تو بات بڑی سچی کہہ دی انہوں نے کہ جب یہ کھجلی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کسی بھی حد پر انسان کو قرار نہیں آتا آگے ہی. اور اس کا علاج سوائے قناعت کے کچھ نہیں, کہ جب دل میں قناعت پیدا ہو جائے کہ جو حلال اور جائز طریقے سے معتدل انداز میں جو کچھ مل رہا ہے میں اس پر قناعت کروں, تو پھر یہ کھجلی ختم ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک قصہ لکھا ہے
गुलिस्तान जो उनकी किताब है, बड़ी अजीब किताब है, बड़ी आरफाना किताब, मगर अफसोस यह है कि वो बचपन में पढ़ी जाती है तो बच्चे जो हैं वो उसको ऐसे ही मजाक में गुजार देते हैं, वरना है बड़ी हकीमाना किताब और बड़े मारफत के मजामीन है उसमें। तो एक किस्सा उसमें लिखा है कि एक बहुत बड़ा ताजिर था जो दिन रात तिजारत में लगा हुआ था, तो बहुत कुछ जायदादें उसने बना ली थी, बहुत कुछ माल दौलत हासिल कर लिया था। तो शेख सादी कहते हैं कि मैंने कहा या किसी ने कहा उससे कि भाई अब तो तुमने बहुत दुनिया कमा ली है, तो बस अब बस करो, अल्लाह करो। तो उसके जवाब में उसने कहा जी बेटा आपको बात कही है, मैं करूंगा ऐसा, लेकिन मेरा सबक यह है कि मैं अभी एक मेरा इरादा है कि मैं यहाँ से ईरान जाऊंगा और ईरान से फला माल लेके अफगानिस्तान ले जाकर बेचूंगा, अफगानिस्तान से फला चीज लेकर तो चीन चला जाऊंगा और चीन में जाकर फला चीज बेचूंगा, वहां से फला चीज लेके आऊंगा और फिर वहां से हिंदुस्तान जाऊंगा, हिंदुस्तान जाकर फला चीज बेचूंगा। एक लंबी दास्तान उसने अपने मंसूबे की सुनाई कि ये करूंगा और एक मतलब ये चक्कर में अपना दौरा पूरा कर लूं कि यहाँ से ले जाकर वहां बेचूं और वहां से ले जाकर यहाँ बेचूं, ये सारा एक मतलब दौरा पूरा करने के बाद फिर आखिर में मैं जब फारिग हो जाऊंगा तो बस फिर अल्लाह करूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा तो ये सब कितनी मुद्दत में पूरा होगा, उसने कहा मुझे पता नहीं कितनी मुद्दत में पूरा होगा, लेकिन ये सब मैंने मंसूबा बनाया हुआ, उसके बाद फिर मैं पूरा करूँगा। तो शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने उसको कहा कि कल तुम्हारे जैसा एक ताजिर था, वो इसी तरह सामान लेके जा रहा था कहीं एक मुल्क से दूसरे मुल्क बेचने के लिए, तो रास्ते में जो सामान लाद कर ले जा रहा था खच्चर के ऊपर, तो वो खच्चर जो है वो गिर गया और गिर के वो सारा सामान जो है वो तबाह हो गया। तो उसका सारा मंसूबा भी इसी कस्म का था कि मैं फला जगह ले जाकर बेचूंगा, फला जगह से फला चीज लेके आऊंगा। तो ये उसने वो सारा खच्चर के गिरने सारा मंसूबा तबाह हो गया, यहाँ तक कि खुद बीमार होकर और खत्म हो गया। तो फिर शेर उन्होंने कहा कि देखो मैं एक शेर तुम्हें सुनाता हूँ, वो यही शेर था कि गुफ्त चश्मे तंग दुनिया दार रहा या कनात पुरपुनर या खाके गोर, कि ये जो सामान पड़ा हुआ है ये सारा का सारा ये जबान हाल से यूं कह रहा है कि दुनियादार की जो तंग निगाह है उसको सिवाय कनात के या फिर कब्र की मट्टी के कोई और चीज पूर नहीं कर सकती, या कब्र की मट्टी में जाके पेट भरेगा या कनात के जरिए पेट भरेगा। तो इस वास्ते ये जो तुमने मंसूबे इतने लंबे चौड़े बनाए हुए हैं, ये करूंगा और वह करूंगा, इनको अपने एतदाल के साथ जो जरूरत के मुताबिक, जरूरत से ऐसी जरूरत कि जिससे आदमी खुशहाली की जिंदगी बसर कर सके, शरीयत ने उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन लंबे चौड़े मंसूबे बनाना, ये मंसूबे जो हैं ये दुनिया में इन्हमाक है और जिस इन्हमाक के नतीजे में फिर आदमी गलत रास्ते पर पड़ जाता है और वो सारे गुनाहों की जड़। इसीलिए नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ तलकीन फरमाई कि अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला गायत रग़बतिना। क्या अजीब दुआ है कि अल्लाह दुनिया को हमारा सबसे बड़ी फिक्र हमारी दुनिया ना बनाइए, सबसे बड़ी फिक्र हमारी यह हो कि हमारी दुनिया बेहतर हो जाए। वला मबलग इल्मिना और ना हमारी मालूमात की सारी पहुंच वो सिर्फ दुनिया तक हो। वला गायत रग़बतिना और सब ज्यादा रग़बतों का बस महवर ये दुनिया ही हो, ऐसा ना बनाइए। इसकी एक मिसाल खुद तजर्बा करके हर इंसान देख ले कि अपने 24 घंटे के औकात में जो सोच विचार करता है उसमें कितना तो उसको दुनिया की राहतों लज्जतों से मुताल्लिक होता है, दुनिया के मसाइल से मुताल्लिक होता है। क्या कभी इस तरह भी सोचा कि मैं
अल्लाह तबारक व तआला के सामने पहुंचूंगा और जन्नत में ये मनाजिर होंगे और दोजख में ये होंगे और किस तरह मैं दोजख से बचूंगा और किस तरह मैं जन्नत हासिल करूंगा, ये सोच कभी आती है? ये ख्याल कभी आता है? ये अगर हम अपने गरीबानों में डाल के देखें तो ये ख्याल और ये सोच तकरीबन नायाब है, दिन रात की फिक्र और सोच यही बनी हुई है। तो नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इन्हमाक की दुनिया का इलाज ये बताते हैं कि अक्सरु ज़िक्र हाज़िम लज़्ज़ात अल मौत, कि उस चीज को कसरत से याद किया करो जो सारी लज्जतों को खत्म कर देने वाली है, यानी मौत, इसको याद किया करो। कि कभी ये भी सोचा करो कि अभी हम जनाजे की नमाज पढ़कर आए हैं, हमने अपने आप अपने अपने हाथों से कंधा दिया है जनाजे को, एक वक्त ये हम पर भी आने वाला है और हम भी इसी तरीके से जनाजे की शक्ल में किसी रोज मस्जिद के सामने खड़े होंगे, लेटे होंगे और हम पर लोग नमाज पढ़ रहे होंगे। हम अपने हाथों से अपने प्यारों को कंधा देते हैं, उनकी उनको कब्रों में उतारते हैं, उनको मट्टी देकर आते हैं, लेकिन इस तरह हाथ झाड़ के आ जाते हैं जैसे ये किस्सा तो उनके साथ हो गया, हमारे से क्या ताल्लुक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अक्सरु ज़िक्र हाज़िम लज़्ज़ात अल मौत, कि मौत को कसरत से याद रखा करो कि एक दिन आने वाला है ये मरने का, कब्र में जाने का, और कुछ पता नहीं कब आ जाए, एक लम्हे का भी भरोसा नहीं किस वक्त आ जाए, लिहाजा उसको सोचा करो कभी कभी कि किस तरह हम मरेंगे और कहाँ कब्र में पहुंचेंगे और किस तरह सवाल जवाब होगा और फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर हाजिरी होगी और अपने अमाल का जवाब दे होना होगा। हमारे हजरत हकीमुल उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम से कम दिन में कुछ वक्त निकाल कर, थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये मुराकबा किया करो, इसी को मुराकबा कहते हैं। मुराकबे का मतलब लोग पता नहीं क्या समझते हैं, मुराकबे का मतलब है ध्यान जमाना, तसव्वुर जमाना, ये मुराकबा करो, यानी ये तसव्वुर करो कि मेरी मौत का वक्त आ गया। और बल्कि यहां से शुरू करो कि मौत के करीब पहुंच गया, बिस्तर मर्ग पर चारों तरफ मेरे अज़ा अक़रबा खड़े हुए हैं और मैं दुनिया से जाने वाला हूं, उस वक्त क्या कैफियत होगी दिल की, उस वक्त क्या तबीयत में ख्यालात आ रहे होंगे, क्या फिक्र आ रही होगी। अगर मोमिन है तो दिल में सबसे बड़ा ख्याल यह आएगा कि अब तो मेरे पास से ये दुनिया के जो अमाल हैं ये हाथ से निकले जा रहे हैं, अब मेरा कोई अमल मकबूल होने वाला नहीं है, अब तो दुनिया से मैं जा रहा हूं, अब जाने के बाद जब कब्र में पहुंचूंगा तो ये सारे रिश्तेदार तो मुझे छोड़कर चले आएंगे, कब्र में तनहा होऊंगा, वहां मेरे पास मुनकर और नकीर सवाल करने वाले आएंगे, मुझे बिठाया जाएगा, मुझसे सवालात किए जाएंगे, फिर अगर मैंने सही जवाब दिए तो मुझे आफियत नसीब होगी इंशाल्लाह, और फिर आखिर में मुझे उठाया जाएगा, मैदान हशर कायम है, अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम इंसानों को एक जमीन के ऊपर जमा किया हुआ है और हिसाब व किताब हो रहा है, वजन आमाल हो रहा है, एक एक नेकी की बड़ी कीमत है और मेरे नाम आमाल को जब वजन किया जा रहा है तो उसके अंदर कौन सा पल्ला भारी हो रहा है, नेकियों का पल्ला भारी हो रहा है या बुराइयों का पल्ला भारी हो रहा है, ये सारा तसव्वुर। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में सारा कुरान करीम याद दिला रहा है बार बार आखिरत की नेमतों को, आखिरत की तकलीफों को, आखिरत के अजाब को, उसको तसव्वुर करो कि किस तरह का अजाब जहन्नम का है, किस तरह की नेमतें जन्नत की हैं, उनको तसव्वुर में लाओ, एक वक्त थोड़ा सा मुकर्रर करके इसका मुराकबा करने की कोशिश करो, ये ध्यान जमाने की कोशिश करो। तो जब ये ख्याल आएगा कि असल में ये दुनिया की जो जिंदगी है ये तो
पलक झपकते गुजर जाएगी और वो आखिरत की अबदी जिंदगी है जो हकीकत में जिंदगी है। इन्नल आखिरत है वलद दारुल आखिरत हियल हयवान, असल जिंदगी तो वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की फरमाए। वहां जाकर पता लगेगा, कुरान करीम फरमाता है कि वहां जाकर पता चलेगा कि जो कुछ मैंने जिंदगी में वक्त गुजारा था कअन्नहुम लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहा, सारी जिंदगी वो 70 साल की हो, 80 साल की हो, 90 साल की हो, 100 साल की हो, वो ऐसे लगेगी जैसे कि एक शाम थी जो गुजार ली बस दुनिया के अंदर, और या फिर सुबह का वक्त था बस थोड़ा सा वो गुजर गया, इतना छोटा लगा, ये दुनिया इतनी छोटी लगी, इतनी बेहकीकत मालूम हो जाएगी होगी उस वक्त। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु और नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ही से ये याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के बंदो वहां जाकर तो पता चलेगा कि ये दुनिया बेहकीकत थी, यहां से समझ लो खुदा के लिए, यहां से समझ लो कि ये दुनिया की जिंदगी जो है ये चंद रोजा है, फानी है, खत्म हो जाने वाली है, बहुत मुख्तसर है, और बकौल कुरान करीम लैबुन व लहव, ये खेल तमाशा है, लिहाजा इसमें जरूरत के मुताबिक एतदाल के साथ जो कुछ कर सकते हो अपनी दुनियावी लज्जतों के लिए, दुनियावी राहतों के लिए, बस उस हद तक रखो, उससे आगे अपनी फिक्र को और सोच विचार को न बढ़ाओ। दुनिया तो जब आदमी जिंदा है तो उसको दुनिया के कामों की जरूरत, खाने की जरूरत, पीने की जरूरत, घर के रहने के लिए घर की भी जरूरत, लेकिन उससे दिल अटकाकर उसको अपनी जिंदगी का महवर बनाकर, अपना सारी जिंदगी का मकसूद बनाकर अगर जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया के बंदे बन जाओ, उसके बजाय ये खबर ये रास्ते की मंजिल है, रास्ते के मराहिल हैं जिनसे गुजर रहे हो, मंजिल नहीं है, मकसूद नहीं है, जिंदगी का असल मतलूब ये नहीं है। जब ये बात दिल में बैठेगी तो फिर इससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से वो तक्वा का एक एहसास पैदा होगा। तो मौत की याद, आखिरत की नेमतों का इस्तेदार, आखिरत के अजाब का इस्तेदार ये आदमी करता रहे और उसके नतीजे में अपनी दुनियावी मसरूफियात को एतदाल पर लाए। यानी शरीयत ने यह भी नहीं कहा कि दुनिया छोड़ के बैठ जाओ, ये भी नहीं कहा बीवी बच्चों को छोड़ दो, खाना कमाना छोड़ दो, नहीं नहीं, ये सब करो लेकिन एतदाल के साथ करो, कनाअत के साथ करो, उसमें उसको अपनी जिंदगी का महवर ना बनाओ, सोच विचार का मरकज उसको ना बनाओ, ये है मकसूद इन्हमाक को दुनिया से बचने का। ये तीसरी बात थी जो मुझे अर्ज करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से, अपने फजल करम से हमारी सोच का महवर तब्दील फरमा दे। और उसका तरीका यह है कि जैसे मैंने याद किया था कि हर वक्त इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, बाद वक्त बिला वजह भी सोच रहा होता है, कोई जरूरत नहीं है मगर सोच रहा है, किसी चीज की जरूरत नहीं मगर ख्याल आ रहे हैं। तो इस गुफ्तगू के बाद जबकि तनब्बो हो जाए इंसान को, तो जब भी सोच विचार में तुम मुनहमिक हो किसी भी सोच विचार में, तो उस सोच विचार का थोड़ा सा रुख अपने इख्तियार से मोड़ो कि भाई ये सोच रहा हूं ये तो खैर होता ही रहेगा, लेकिन एक दिन मुझे मरना भी है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब भी देना है, अल्लाह ताला ने मुझे नेमतें दे रखी हैं, मुझे इसका शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने मुझ पर कुछ फरायज आयद किए हैं वो फरायज अदा करने चाहिए, जो अल्लाह ताला ने नाजायज काम किए रखे हैं उनसे बचना चाहिए, इस तरफ अपने ख्याल के रौ को इस तरफ मोड़, अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ मोड़, अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हुई है, मैं उसको उसका इंतजार कर रहा हूँ, उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे आंख दी है कैसी नेमत है, मुझे कान दिया है कैसी नेमत है, मुझे जबान दी है कैसी नेमत है, मुझे हाथ पांव दिए हैं, सेहत अदा फरमाई है कैसी नेमत है, किस तरह मैं खाता हूँ, किस तरह मैं खाने के बाद वो सारे गजा जो है वो अंदर जाकर मेरे बदन का हिस्सा बनती है, उससे कुवत पैदा होती है, इस तरफ अपने ख्यालात के रौ को इस तरफ मोड़ दो, या इस तरफ मोड़ दो कि ये तो जिंदगी की सारी नेमतें हैं, किसी भी वक्त खत्म हो जाने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी होने वाली है, मैं पेशी होगी तो मैं क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा, वगैरह वगैरह। तो ख्यालात के रौ को
अपनी सोच विचार के तरीके को उसका रुख तब्दील करने की कोशिश करो, यह तकवा पैदा करेगा इंशाल्लाह। और भाई चौथी चीज यह है, बुजुर्गों ने फरमाया, इन तमाम जो मैंने बातें अर्ज की हैं अब तक, चाहे वो दुआ की कसरत हो, अजय मातूरा हो, शुक्र अदा करना हो, नेमतों का इस्तेदार हो, सोच का रुख तब्दील करना हो, इन्हमाक की दुनिया से बचना हो, इस सब का एक आसान रास्ता है जो बड़ा ही मुआसर है, वो है सोहबत। ऐसे लोगों की सोहबत के जिनकी फिक्र का दायरा और जिनकी फिक्र और सोच विचार का महवर सिर्फ दुनिया नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा की तरफ मुतवज्जह है, अल्लाह वालों की सोहबत, जिनका दिल अल्लाह तबारक व तआला के साथ लगा हुआ है, जिनका ताल्लुक अल्लाह तआला के साथ है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला की नेमत रहमत से तकवा की दौलत हासिल है, उनकी सोहबत यानी उनके साथ जितना हो सके वक्त गुजारना, जितना हो सके उनकी सोहबत हासिल करना, ये एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से इसके जरिए बहुत जल्दी वो मकासिद हासिल होते हैं जो मैंने अभी अर्ज किया। अल्लाह ताला ने अल्लाह वालों की सोहबत में बड़ी अजीब तासीर रखी है। अगर किसी अल्लाह वाले सही अल्लाह वाले की सोहबत नसीब हो जाए और कुछ लम्हात भी उसके साथ मुयस्सर आ जाए, तो चाहे उसने कुछ कहा भी ना हो, सिर्फ चंद लम्हों में उसके साथ बैठ जाना, चंद लम्हे उसके साथ गुजार लेना, ये भी फायदेमंद होता है। उससे भी इंसान की ख्यालात की रौ का रुख मुड़ता है। एक हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु मशहूर साहबी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ऐसे साहबी हैं कि बस जाके पढ़ ही रहे थे हुजूर के दर पर, न खाने की परवाह न पीने की परवाह। फरमाते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि भूख के मारे, भूख की शिद्दत से मैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पर गशी के आलम में लेट जाकर, भूख की शिद्दत से लोग समझते थे कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, हालांकि मुझे कोई दौरा मिर्गी उर्जी का नहीं था, लेकिन भूख की वजह से बाज़ औक़ात भूख की शिद्दत की वजह से ये आलम होता था। इस वास्ते कि बस अपनी जिंदगी का मकसूद ये बना लिया था कि हुज़ूर नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहना है और आपसे जो कुछ सीखना है आपके कौल और फेल से वो हासिल करना है। तो वो फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं आप, मैं भी साथ होंगे, तो फरमाते ला युकल्लिमुनी वला उकल्लिमुहु, रास्ते भर ना मैंने कोई बात की आपसे ना आपने मुझसे कोई बात की, लेकिन आप जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूं, इस तरह जा रहे थे। तो उलमाए किराम ने इस हदीस की शरह करते हुए ये फरमाया कि ये किसी अल्लाह वाले के साथ रहना चाहे कोई बात भी ना कर रहे हो तो वो भी अल्लाह ताला के फजल व करम से उसके फ्यूज को साथ रहने वाले के ऊपर मुंतकिल फरमाता है। और ये तजुर्बे की बात है, लंबी चौड़ी तकरीरें एक तरफ और किसी अल्लाह वाले की सोहबत में चंद लम्हात गुजार लेना ये एक तरफ, इससे दिल की दुनिया में तब्दीलियां, दिल की दुनिया बदलती है। इसीलिए हजरत थानवी अब्दुल्लाह के सामने किसी ने शेर पढ़ा कि यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतर सब साल ताअत बेरिया, के यक जमाना सोहबत बाओलिया, थोड़ा सा जमाना किसी औलिया की सोहबत में गुजार लेना ये 100 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर है। तो हजरत खानवी अब्दुल्लाह से किसी ने कहा कि हजरत ये तो कुछ मुबालगा लगता है, 100 साल की इबादत से भी चंद लम्हे किसी
अल्लाह वाले के पास गुजार लेना, इसको 100 साल की इबादत से भी अफजल करार दे दिया। तो हजरत ने फरमाया कि अरे मियां मुबालगा तो क्या होता, पूरी बात अब भी नहीं हुई। अगर यूं कहते कि सद लख साला, ये 100 लाख साल की इबादत से बेहतर है, तो भी गलत ना होता। क्योंकि बाद औकात इबादत तो आदमी कर रहा है लेकिन गलत तरीके से कर रहा है, तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत के नतीजे में उसका तरीका दुरुस्त हो जाता है, उसकी मंजिल दुरुस्त हो जाती है। तो इस वजह से ये कोई मुबालगा नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है सोहबत। तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में कुछ वक्त गुजार लेना, ये भी एक बहुत बड़ी अजीम कामयाबी है। और इसके जरिए अल्लाह ताला के ने कुछ ये सोहबत में तासीर रखी है कि सोहबत का असर मुंतकिल होता है, जिसकी सोहबत इख्तियार करता है तो उसके सुयूज का इनेकास होता है। ये जो हदीस, ये जो आपने सुना होगा कि सहाबी किसको कहते हैं, सहाबी कहते हैं जिसको नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल हुई। और सहाबी की तारीफ ये है कि एक मरतबा भी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत कर ली हो इस्लाम की हालत में, और इस्लाम की हालत ही पर उसका इंतकाल हुआ हो, वो सहाबी हो गया। और ऐसा साबित हो गया कि बाद के आने वाले जितने बड़े बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह कोई भी हो, वो सहाबी की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सरकार दो आलम साधन की सोहबत एक लम्हे के लिए हासिल हो गई। ये इतना बड़ा मकाम ये कहां से हासिल हुआ, सोहबत। बाद में ताबीन आए, ताबीन ने उसके बाद तबे ताबीन आए, और उसके बाद सारे बुजुर्गान दीन। तो सारा दीन जो निकला है ये दरहकीकत सोहबत की बरकत से निकला। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया याजुलदीन आमरु तकुल्लाहा वकूनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों तकवा अख्तियार करो, और तकवा अख्तियार करने का आसान तरीका बताया वकूनू माअस सादिकीन, जिसका तर्जमा हजरत खालिद अब्दुल्लाह ने यह किया। ये फरमाते थे कि सादिकीन सच्चे लोगों के साथ रह पड़ो, सच्चे लोगों के साथ रह पड़ो, यानी उनकी सोहबत इख्तियार करो। ये आसान तरीका ये बताया। तो शुरू से दीन इसी तरह चला आ रहा है, हुजूर की सोहबत उठाई साहबी बन गए, साहबी की सोहबत उठाई ताबी बन गए, ताबी की सोहबत उठाई तबे ताबी बन गए। अल्लाह ताला ने ये सोहबत में ये तासीर रखी है। तो कुछ वक्त निकाल के किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाकर बैठना, चाहे वो खामोशी हो, लेकिन उसके बैठने से भी ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ये फायदा हासिल होता है कि उसके फ्यूज मुंतकिल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तासीर रखी है, ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत चली आई है शुरू से। पांचवी बात ये कि ये तो है किसी अल्लाह वाले की सोहबत, लेकिन पांचवी बात यह है कि आदमी अपना आम उठना बैठना भी, आम मुलाकातें भी, आम मजलिसें भी ऐसे लोगों के साथ रखे कि जिनको कुछ आखिरत की फिक्र है, दुनिया में ही मुनहमिक नहीं है। अगर आदमी का उठना बैठना और मिलना जुलना जो कुछ भी है वो ऐसे लोगों के साथ है जो गफलत के आलम में दुनिया ही के कामों में मनहमिक हैं और इन्हमाक की दुनिया में मुब्तला है, तो उसकी तासीर इंसान के कल्ब पर भी आएगी, जुल्मत होगी और वो भी इन्हमाक हो जाएगा। लेकिन अपना आम उठना बैठना, अपने आम नशिस्त बरखास्त मेल जोल वो ऐसे लोगों के साथ जो नेक हो, जिन जो अल्लाह तबारक व ताला की रजा के तलबगार हों, जिनको अल्लाह तबारक व ताला की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कुछ फिक्र हो, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठ रखे आदमी। तो एक अहलुल्लाह की सोहबत जिसकी मयसर आ जाए, दूसरे अपने आम सोहबत को दुरुस्त करना। और हजरत हकीम उल उम्मत कदसल्लाहु ताला सदो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हम जैसे कमजोर लोगों के लिए उन्होंने और भी आसान आसान बातें फरमा दी हैं।
कि भाई अगर किसी को मयस्सर ना आए, कोई इतना वक्त भी नहीं मिलता, मौका नहीं होता, आजकल हालात ऐसे हैं, सफर करके जाना किसी अल्लाह वाले के पास, वहाँ जाके मुश्किल होता है, तो हज़रत फरमाते हैं कि एक चीज़ ऐसी है कि जो घर बैठे भी कर सकते, वो ये कि अल्लाह वालों के हालात और मलफूजा, ये अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करो। जो बुजुर्गान दीन है उनके वाकयात, उनके मलफूजात, किस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी, क्या उनके अखलाक थे, कैसी उनकी आदतें थी, क्या उनका किरदार था, ये इसके मुताले की आदत डालो। हजरत साहब कराम की सीरतें छपी हुई हैं, सीर सहाबा, हयात सहाबा, साहब कराम के हालात, बुजुर्गान दीन के हालात छपे हुए हैं, और हमारे जो करीब तरीन बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत नौनाती, हजरत गंगोई, हजरत थानवी, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन, इन हजरात के हालात पढ़ोगे, क्योंकि हालात पढ़ोगे, हजरत फरमाते हैं कि इनके हालात में नूर होता है, तो ये हालात पढ़ने से भी दिल की दुनिया इंशाल्लाह ताला बदलेगी, और वो जो जहन का रुख है वो तब्दील होगा इंशाल्लाह। ये चंद बातें मैंने इसलिए जल्दी जल्दी अर्ज कर दी हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से सब पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जल्दी जल्दी इसलिए अर्ज कर दी हैं कि रमज़ान आने वाला है, और शायद क्या बल्कि तकरीबन यकीनी जैसा है कि यह रमज़ान से पहले आखिरी मजलिस है, क्योंकि इसके बाद मुझे सफ़र दरपेश है, मुतअद्दिद सफ़र, और सफ़र की वजह से रमज़ान से पहले बज़ाहिर कोई और मजलिस नहीं हो पाएगी। रमज़ान के अंदर ज़ोहर के बाद इतवार के दिन मामूल है, इंशाल्लाह वो जारी रहेगा, लेकिन रमज़ान से पहले कोई और मजलिस नहीं हो सकेगी। तो दिल चाहा कि चंद बातें चाहे जल्दी जल्दी हों वो कान में डालती जाएं, अपने भी कान में पड़ जाएं, दूसरों के भी कान में पड़ जाएं, अल्लाह ताला उन पर अमल की तौफीक दे दें, और इसलिए भी कि रमज़ान मुबारक का जो महीना आने वाला है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से अपनी ज़िंदगी में आता फरमा दे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए, यानी हमारी ज़िंदगी इतनी कर दीजिए कि रमज़ान हमें मिल जाए। तो यह रमज़ान का महीना जो है, ये तकवा हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है, इसीलिए कुरान करीम ने जहाँ रोज़ों का जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे कि पहले लोगों पर रोज़ फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, ये लअल्लकुम तत्तकून। तो मालूम हुआ कि इस सारे रमज़ान की जो मेहनत है या रमज़ान का जो ज़माना है, इसका असल मकसूद है तकवा पैदा करना। अल्लाह ताला ने इसमें तासीर भी रखी है, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने को इस गरज से शुरू करे कि मुझे इसमें तकवा की दौलत हासिल हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी मदद होती है, खुसूसी मदद होती है, और उसमें इंसान को तकवा की मंजिल की तरफ बढ़ने में आसानी पैदा होती है। तो ये बहस, ये काफ़ी दिनों से बात चली रही है तकवा की, तो रमज़ान का महीना आने वाला है, तो उस रमज़ान के महीने में इस तकवा की, इन तरीक़ों की जो मैंने अर्ज किया है, कुछ मश्क की ज़रूरत है, और उसके लिए ये चाहिए कि रमज़ान के आने से पहले, अभी एक महीना है तकरीबन, आदमी उसकी तैयारी करे। कुछ लोग तो इस्तकबाल रमज़ान की तकरीबात मनाते हैं, बाकायदा जश्न मनाए जाते हैं, इस्तकबाल जश्न इस्तकबाल रमज़ान या तकरीब इस्तकबाल रमज़ान है, तो उसमें वो नया सिलसिला शुरू हो गया है, वो भी उसका कुछ पता नहीं क्या क्या कुछ दावतें होंगी, क्या होगा, वो भी एक मेला बन जाएगा। लेकिन असल इस्तकबाल रमज़ान का ये है कि आदमी रमज़ान के लिए तैयार हो। तैयार कैसे हो? तैयार इस तरह हो
कि ये सोचे कि ये रमजान का महीना तकवा हासिल करने का कि एक टाइप कोर्स है जिसमें मुझे दाखिल होना है, लिहाजा अपनी दूसरी मसरूफियात को कम से कम करके इबादात की तरफ मुतवज्जे हो। 9-11 महीने गुजार रहे हैं हम लोग, वही जो बात हो रही थी इन्हमाक की, दुनिया के कामों में इन्हमाक है, उसी में वही सोच विचार का महवर बना हुआ है। तो आदमी ये सोचे कि ये रमजान का महीना आने वाला है, तो इस रमजान के महीने में मैं अपनी मसरूफियात को कम से कम करूं और ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो अल्लाह जल्ला जलालहू की इबादत में, अल्लाह ताला के जिक्र में, अल्लाह ताला से दुआओं में इसमें गुजारूंगा। उसके लिए पहले से जो लोग मशगूल हैं वो पहले से अपने निजाम औकात को मरतब करने की कोशिश करें, इस तरह मैं अपनी मसरूफियत को कम करके ज्यादा वक्त इस काम में लगा सकता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से अगर ये काम कर लिया तो रमजान का महीना तकवा की हालत में गुजरा, गुनाहों से बचने का एहतमाम, आंखों की हिफाजत, जबान की हिफाजत, कानों की हिफाजत और अल्लाह ताला की तरफ रुजू की कसरत, ये इस तरह गुजर गया तो एक वादा फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन सलीम लहु रमजान सलीमत लहु सना औ कमा قال صلى الله عليه وسلم, कि जिसका रमजान सलामती से गुजर जाए उसका पूरा साल सलामती से गुजर जाए। तो भाई ये वक्तन गुजारिशात थी रमजान से पहले पहले से अपने निजाम औकात को उसके लिए तैयार करें रमजान के लिए, और ये सारी बातें जो मैंने तकवा के सिलसिले में अर्ज की हैं इनको अपने दिल में रखकर अभी से उसकी मशक भी शुरू करें और रमजान के दिन तक खास तौर पर उसका एहतमाम करें। तो मुझे अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अगर हमने ये काम कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह मायूस नहीं फरमाएंगे, अपने फजल व करम से अता फरमा देंगे, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा देंगे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد किसी साहब ने पूछा है कि पिछले दुआ में एक दुआ जो मनाजात कबूल में भी थी नमाज के बाद पढ़ा जाता था, वो जरा दोबारा दोहरा दें। शायद वो बहुत सारी दुआएं पढ़ी थी भाई, पता नहीं क्या कौन सी दुआ मकसूद है। ये दुआ थी एक थी اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهوايا فيما تحب وترضى, कि अल्लाह मेरे दिल के वसवसों को ख्यालात को अपने खशियत और अपने जिक्र में तब्दील फरमा दी। ये दुआ क्या है अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير, اللهم إنا نستعينك على طاعتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ, ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دی یا اللہ, اپنی رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما یا اللہ, ہم ساری امت کی طرف سے مغفرت مانگتے ہیں, اپنی رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے, ساری امت کی مغفرت فرما دے یا اللہ, ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما, اللہم انقطع الرجاء الا منك
نجنا مما نحن فيه وعيننا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم عليك آمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا برقك الذي لا يرام اللهم باقية كباقية الوليد اللهم باقية كباقية الوليد اللهم باقية كباقية الوليد یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے یقین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما کہ اللہم آتی انفسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے دل اور دماغ یا اللہ اس وقت جن باتوں کے اندر یا اللہ محو ہیں یا اللہ ان کا رخ پھیر کر یا اللہ اپنی طرف رجوع اپنے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ ہمارے خیالات کو ہمارے جذبات کو ہمارے خواہشات کو اے اللہ اپنے طرف متوجہ فرما دیجئے یا اللہ دنیا سے اس کا رخ موڑ کر اے اللہ اپنے ذات کی طرف ان کا رخ فرما دیجئے یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام مرادوں کو اپنی رضا کے مطابق پورا فرما دیجیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے یا اللہ ہمارے ملک سے بد امنی کو دور فرما بے دینی کو دور فرما یا اللہ ہماری یعنی فحاشی کو دور فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين بولتے بیگم سے وہ ہو گیا وہ کتاب التوحید کا جو ہے نا Thank you.